हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको टाउन हॉल 10 की अपग्रेड प्रायोरिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले टाउन हॉल 10 अपग्रेड करने के पहले आप पूरा टाउन हॉल 9 मैक्स कर दीजिएगा, ताकि आप टाउन हॉल 10 भी प्रॉपरली खेल सको। तो आपका टाउन हॉल 9 मैक्स होना चाहिए, और टाउन हॉल 10 जैसे अपग्रेड होता है आपके सारे स्टोरेज फुल होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर होगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहले टाउन हॉल 10 में आने के बाद आपको ऑफेंस एंड रिसोर्सिस को अपग्रेड करना है, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अटैक कर सको और ज़्यादा हार्ड बेजिस आपको देखने को ना मिले। तो एलिक्सर की हेल्प से आपको सबसे पहले लेबोरेटरी अपग्रेड करनी है, ताकि आप अपने ट्रूप्स जो है वो जल्दी से जल्दी टाउन हॉल 10 के हिसाब से अपग्रेड कर सके। उसके बाद आपको आर्मी कैंप अपग्रेड करना है। 240 की स्पेस हो जाएगी आर्मी कैंप अपग्रेड करने से। उसके बाद स्पेल फैक्ट्री को अपग्रेड करना है, और ये सारी चीज़ें आप मैजिकल बुक से भी कर सकते हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाएगी। अब बात करते हैं गोल्ड से आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए। तो गोल्ड से आपको सबसे पहले क्लैन कैसल को अपग्रेड करना है, ताकि आपको 5 स्पेस ज़्यादा मिलेगी क्लैन कैसल में। उसके बाद तो आपको बैरक्स में सबसे पहले डार्क बैरक को अपग्रेड करना है, ताकि आप बॉलर्स को अनलॉक कर सको, क्योंकि बॉलर्स एक बहुत ही अच्छा ट्रूप है टाउन हॉल 10 पे। तो सबसे पहले बॉलर्स को अनलॉक कीजिए, और उसके बाद माइनर्स को भी अनलॉक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं न्यू चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको डार्क एलिक्सर ड्रिल को परचेज करना है, और उसे लेवल 6 तक पहुंचा देना है, ताकि वो आपको डार्क एलिक्सर ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। तो ये एक डार्क एलिक्सर की बात हुई। अब बात करते हैं डिफेंसिस एंड ट्रैप्स के बारे में। तो जो न्यू डिफेंसिस आप परचेज करते हो, वो सभी को पहले लेवल 9 तक मैक्स कर लो, और ट्रैप्स को सबसे पहले टाउन हॉल 10 तक मैक्स कर लो। कोई भी ट्रैप हो टाउन हॉल 10 तक का मैक्स कर लो। अब मेन डिफेंसिस की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले इन्फर्नो लेवल 1 के रखने हैं, दोनों इन्फर्नो को, और जब आपकी आर्चर क्वीन लेवल 35 की हो जाती है, उसके बाद ही आपको इन्फर्नो लेवल 2 करना है। क्योंकि अगर आप इन्फर्नो के लेवल जल्दी अपग्रेड कर देंगे, तो आपको वॉर में बहुत ही परेशानी हो सकती है। आपका जो रैंकिंग है वॉर में वो बहुत ही ऊपर आ जाएगा, और आपके ट्रूप्स भी इतने अपग्रेडेड नहीं होंगे। तो आपको जब भी इन्फर्नो लेवल 1 पे रखते हो, उसके बाद आर्चर क्वीन को लेवल 35 करो, किंग को करो, और फिर ही इन्फर्नो लेवल 2 करना होगा। उसके बाद आपको विजर्ड टावर को अपग्रेड करना है, फिर कैनन को, फिर आर्चर टावर को, और फिर एयर डिफेंस को करना। अगर आप वॉर लवर हो तो एयर डिफेंस को और विजर्ड टावर को साथ में करिएगा, ताकि वो आपको वॉर में बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब जब आपके हीरोज़ जो दोनों 35 के हो जाते हैं, तो अब आप अपना इन्फर्नो लेवल 2 कर सकते हो, और फिर आपको करना है बॉम्ब टावर लेवल 4, एक्सपो लेवल 4, मोर्टार एंड हिडन टेस्ला। ये सब कुछ चीज़ें कर लो, और उसके बाद ही आपको इन्फर्नो लेवल 3 पे रखना है। जब आप हिडन टेस्ला अपग्रेड करते हो, तो साथ ही साथ आप एयर स्वीपर भी अपग्रेड कर लेना, ताकि आपको वो भी हेल्प मिल जाएगी। तो वॉर में है तो आपको थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वरना तो यही सब कुछ आपको फॉलो करना है। वॉर के लिए विजर्ड टावर, एयर डिफेंस एंड टेस्ला इम्पॉर्टेंट है, तो वो सबसे पहले आप कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कैसे आप सब कुछ अपग्रेड कर सकते हो टाउन हॉल 10 में। लेबोरेटरी में ट्रूप्स के अपग्रेड के बारे में भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा टाउन हॉल 10 के लिए। लेकिन अगर आप एक वॉर लवर हो, तो सबसे पहले वॉर ट्रूप्स को अपग्रेड करो, और नहीं हो तो सबसे पहले फार्मिंग ट्रूप्स को अपग्रेड करो, जैसे कि जायंट, बारबेरियन, आर्चर, गॉब्लिन। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। गाइस, चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस,